आज देखो हम लोग क्लास टेंथ के हिंदी काव्य खंड जो पहला कविता है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा इसको पढ़ेंगे जिसके कवि हैं गुरु नानक। और इसका भावार्थ समझने के पहले हम लोगों को कवि का परिचय जान लेना चाहिए ताकि भावार्थ समझने में आपको आसान हो। ये जो है गुरु नानक इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। गांव का नाम है तलवंडी, जिला लाहौर और पाकिस्तान। ये पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। जब बंटवारा हो गया तो अभी अगर पूछा जाए गुरु नानक का जन्म किस देश में हुआ था तो बोलना होगा पाकिस्तान। इनके जन्म स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नानकाना साहब। और इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता, इनकी पत्नी का नाम सुलक्षी। देखो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार, रहिला सोहिला। गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाशन वर्ष 1604 है। यानी गुरु नानक जो लिखे थे उसको गुरु अर्जुन देव ने प्रकाशन किया था, प्रकाशित किया था। कब किया था? 1604 ईस्वी में। और गुरु अर्जुन देव थे सिख संप्रदाय के पांचवें गुरु। और गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1539। और अंतिम इन्होंने वाहे गुरु क्या कहते हुए अपने प्राण को त्यागा? ये ब्रजभाषा के कवि थे। किस भाषा के? और इन्होंने ये जो आप देखा गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कैसे कवि थे? तो किताब सबके पास है? यस सर। निकालो। गुरु नानक और शांति होकर हम लोग इसका जो है भावार्थ समझेंगे। कवि ने लिखा है राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा। ये देखो राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा। राम नाम के बिना गुरु नानक का कहना है जो लोग इस संसार में आया और राम का नाम नहीं लिया तब बिरथे माने बेकार जगी संसार में जन्मा। यानी संसार में जन्म लेना उसका क्या हो गया? बेकार हो गया। जैसा कि आप लोग जानते होंगे सुने होंगे कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए और जिस कोचिंग में जय राम न हो उस कोचिंग में जाना ना चाहिए। तो देखिए गुरु नानक स्पष्ट लिखे हैं वास्तव में मनुष्य जो है गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जब माँ के गर्भ में होता है तो माँ के गर्भ में होता है तो भगवान से कहता है हे भगवान मुझे जल्दी दुनिया में भेजो ताकि मैं आपकी सेवा करूं। लेकिन बट लगा हुआ है पृथ्वी पर आते कहता है कहां कहां कहां। लेकिन गुरु नानक ने स्पष्ट बताया कि जो लोग इस संसार में आया अपने मुंह से राम का नाम नहीं लिया उसका संसार में आना क्या हो गया? आगे लिखे हैं भिखू खावे भिखू बोले। लोगों का खाना जो है जो अपने मुंह से राम का नाम नहीं लेगा उसका खाना जहर है। भिखू मन क्या होता है? जहर। भिखू बोले उसका बोली क्या है? जहर है। बिनु
बिना नाम का निर्फल कोई फल नहीं होता है, मट्टी भर बना ये पृथ्वी पर घूमना भी उसका बेकार है। जैसा कि हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, जे साम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपे मृगाश चरंती। गुरु नानक ने भी यही बात बताई, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, पुस्तक मैंने किताब होता है जो हम पाठ पढ़ते हैं, व्याकरण बखाने उपदेश देते हैं, व्याकरण का बखान करना उपदेश देना। संध्या कर्म निकाल करे, संध्या कर्म का अर्थ होता है सुबह शाम अगरबत्ती करना, तो गुरु नानक ने स्पष्ट कह दिया किताब पढ़ के कोई पंडित नहीं है, किताब पढ़ के कोई पंडित नहीं है, सुबह शाम अगरबत्ती करके भी कोई पंडित नहीं है। अगर यही होता तो हम आपको पढ़ाने के लिए नहीं आते, हम भी घर में बैठे रहते और एक लक्ष्मी जी का फोटो रख लेते, ओम जय लक्ष्मी माता हमर जे भी हजरिया से भर जाता। तो ये कहने से सुबह शाम अगरबत्ती करने से कोई फायदा नहीं है। गुरु नानक ने स्पष्ट बताया, किसी ने ये भी कहा है पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न भूल, ढाई अक्षर प्रेम से पढ़े से पंडित। तो वही ढाई अक्षर राम का नाम है, किताब पढ़ो या न पढ़ो उससे पंडित नहीं कहलाओगे। आगे कहे हैं बिनु गुरु शबद मुक्ति कहा प्राणी, बिना गुरु के कोई भी प्राणी को मुक्ति नहीं होती। गुरु का अर्थ ही होता है गुरु मने अंधेरा रूप मने प्रकाश, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए उन्हें हम गुरु कहते हैं। तो बिना गुरु के कोई भी प्राणी को मुक्ति नहीं होती है। राम नाम बिनु अलझी मरे, इस संसार में जो लोग राम का नाम नहीं लेता है वही उलझ के मर जाता है। आपने देखा होगा गांव में घर में देहात में भी होता है, देवों के देव महादेव महादेव नीलम दैरा हरिंदर भैया। या तो आप देखे होंगे सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार। आपको किसी को गुरु मानना ही पड़ेगा, चाहे माता पिता को मानिए या आपको जो शिक्षा देते हैं शिक्षक उनको गुरु मानिए, बिना गुरु के आपको ज्ञान होने वाला नहीं है। दंड कमंडल शिखा सत धोती तीरथ गमनु अति भ्रमण करे। देखो गुरु नानक ने कितना अच्छा बात बताया, आज जो लोग दिखावा करते हैं दंड माने डंडा ले लेना, दंड मतलब डंडा ले लेना, कमंडल ले लेना, दंड कमंडल शिखा माने चोटी बढ़ा लेना बाल बढ़ा लेना, सूट सूट का अर्थ होता है जनेऊ धारण करना और धोती पहन लेना, तीरथ गमनु तीरथ पर जाना अति भ्रमण करे और खूब घूमना इससे कोई फायदा नहीं है। अरे बुआ देहात में बोलता है मन चंगा तक कठौती में गंगा, खा पी के जे करे स्नान ता पर खुश रहे भगवान। समझ में आ रहा है यस सर। ये बाबा जी बन के गुरु नानक कहते हैं कोई फायदा नहीं है। बाबा जी बन गए कमंडल ले लिए लाठी ले लिए जनेऊ धारण कर लिए धोती पहन लिए तीरथ पर चल लिए, ये सब करके हमें कोई फायदा नहीं है। कवि ने कहा राम नाम बिनु शांति नावे, जब तक हम राम का नाम नहीं लेंगे तब तक हमें शांति मिलने वाला नहीं है। और जब भी हरि हरि नाम सुपारी पड़े, गुरु नानक कहते हैं जिसने हरि का नाम ले लेगा भगवान का नाम ले लेगा राम का नाम ले लेगा वो भव से पार हो जाएगा। तब तो किसी ने कहा है राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी हरि नाम मिश्री घोर घोर पी पी। हाँ तो देखो आगे ये तो बाबा जी के बारे में गुरु नानक ने कहा, अब कहते हैं नागा बाबा होते हैं नंगा बाबा लेकिन बोलने में थोड़ा ये हो
नंगा बाबा जो होते हैं जटा बनाते हैं, उसको मुड़े मुकुट मुड़ेत्ता बना लेते हैं। जटा मुकुट तन मने होता है शरीर, भस्म लगाई शरीर में राख लगाते हैं। बसन छोड़ तन नगन भया, बसन मने होता है कपड़ा, वो कपड़ा नहीं पहनते हैं, नंगे शरीर रहते हैं, वो दुनिया को दिखाते हैं। गुरु नानक कहते हैं नंगा बाबा अगर तुम नंगा हो बाबा हो तो तुम्हें ये राख नहीं लगाना चाहिए, राख लगाए